अगर मैं इलान मस्क को आज के ज़माने का सबसे बड़ा थिंकर कहूँ तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि ये वो इंसान है जिन्होंने अपने विजन और अपनी फोरसाइटेडनेस के दम पर मल्टीपल बिलियन डॉलर कंपनीज क्रिएट की हैं। बट यू नो व्हाट मेक्स हिम स्पेशल? इलान मस्क ने दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ हिज थिंकिंग। और आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि कैसे आप भी इलान मस्क की तरह बड़ा सोच सकते हैं, अपनी दुनिया बदल सकते हैं। दोस्तों, मैं हूं निधि, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ की पॉइंट्स फ्रॉम डेविड श्वार्ट्ज़ बुक, जिसका नाम है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। ये वो पॉइंट्स हैं जो आपको इलान मस्क की तरह सोचने का नजरिया देंगे और आपको अपनी लाइफ रिकंस्ट्रक्ट करने का एक मौका देंगे। बट बिफोर दैट, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, देन आई एम एक्साइटेड टू शेयर विद यू दैट दिस चैनल इज अबाउट बुक्स एंड बिजनेस। मैं हर मंगलवार को हिंदी में और हर फ्राइडे को इंग्लिश में एक नया एपिसोड पोस्ट करती हूँ। तो अगर आपको बुक्स और बिजनेस की नॉलेज में इंटरेस्ट है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड और सीखते हैं फ्रॉम द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग से कि कैसे हम भी इलान मस्क की तरह पावरफुल बन सकते हैं। तो इस किताब का सबसे पहला पॉइंट है, थिंकिंग मेक्स इट पॉसिबल। मतलब आपकी सोच ही आपकी दुनिया बनाती है। किताब के ऑथर, जो कि जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी में एक मार्केटिंग प्रोफेसर थे, एक दिन उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को एक एक्सरसाइज दी। उन्होंने अपने स्टूडेंट से पूछा कि जिस सिस्टम में हम रह रहे हैं उस करंट सिस्टम को कुछ सालों में बंद कैसे किया जा सकता है। तो भाई, सवाल सुनते ही सब स्टूडेंट्स आपस में बहस करने लगे कि दिस इज क्रेजी, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये तो हो ही नहीं सकता। तो पहले तो ऑथर ने अपने स्टूडेंट्स को शांत किया और फिर उनसे कहा, डोंट रिस्ट्रिक्ट योर थॉट्स कि ये पॉसिबल है या नहीं है, लेट योर क्रिएटिविटी फ्लो और सोचो कि इस करंट सिस्टम को बंद कैसे किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स ने फ्री माइंड से दोबारा सोचा। अब उनके दिमाग में क्रिएटिव आइडियाज आने लगे और यही नहीं, वो अपने क्रिएटिव आइडियाज बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी कंबाइन करने लगे टू मेक इट बिग। जब ये एक्टिविटी खत्म हुई तो स्टूडेंट्स ने रियलाइज किया कि प्रोफेसर का सवाल वॉज नॉट द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम वॉज द साइज ऑफ देयर ओन थॉट्स। ठीक इसी तरह जब इलान मस्क अपनी रॉकेट कंपनी शुरू कर रहे थे SpaceX, ऑलमोस्ट सबने कहा था कि बहुत ही क्रेजी आइडिया है। इनफैक्ट उनको खुद भी लग रहा था कि आइडिया बहुत क्रेजी है, क्योंकि तब तक प्राइवेट रॉकेट कंपनीज थी ही नहीं। रॉकेट को स्पेस में भेजने का काम यूजुअली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस का होता था, जैसे कि NASA, लेकिन इलान मस्क डटे रहे और आगे चलकर वो सक्सेसफुल भी हुए। तो बड़ा सोचने की वजह से SpaceX एक रियलिटी बन पाई। अगर इलान मस्क ये सोचते रह जाते कि एक बहुत ही क्रेजी आइडिया है तो आज SpaceX होती ही नहीं। तो इंसान की सोच उसे बड़ा या छोटा बनाती है, लेकिन बड़ा सोचने का ये मतलब नहीं है कि आपको हमेशा रॉकेट कंपनी ही स्टार्ट करनी है। एक रिक्शे वाले का ये सोचना कि मैं पैसा बचाकर अपने बच्चों को स्कूल भेजूंगा, उनको अच्छी एजुकेशन दिलाऊंगा, ये बड़ी सोच है। एक मिडिल क्लास सैलरीड बैकग्राउंड के इंसान का ये सोचना कि मैं अपनी कंपनी बनाऊंगा और बहुत से लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज दूंगा, ये एक बड़ी सोच है। एक पैसे वाले इंसान का ये सोचना कि मैं अपने पैसों से लोगों की मदद करूंगा, ये एक बड़ी सोच है। तो अपनी करंट सिचुएशन को अपनी सोच पर हावी मत होने दो, कीप थिंकिंग बिग। दूसरा पॉइंट है, प्रोग्रेस हैपन्स स्टेप बाय स्टेप। मतलब जहां आपको पहुंचना है वहां आप कूद कर नहीं पहुंच सकते, आपको स्टेप बाय स्टेप ही चलना होगा। ऑथर ने सेरिक सैवरेट का एग्जाम्पल दिया है, जो कि रीडर्स डाइजेस्ट के ऑथर और कॉरेस्पॉन्डेंट थे। वर्ल्ड वॉर टू में उनके साथ एक हादसा हुआ। सेरिक और उनके कुछ साथियों को प्लेन से जंप करना पड़ा और वो गिरे सीधा एक जंगल में जो कि इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर पर था। उन्हें पता था कि रेस्क्यू टीम के आने में बहुत टाइम लग जाएगा। अब उनके पास दो ही ऑप्शंस थे, भाई या तो वो जंगल में मर जाएं और या फिर सेफ एरिया तक पहुंचने की कोशिश करें। अगस्त की गर्मी और बारिश में बिना किसी रिसोर्स उनको 140 किलोमीटर का सफर तय करना था। अब पहले ही दिन सब लोग थक गए, उनके पैरों में छाले पड़ गए, एंड पीपल स्टार्टेड गिविंग अप। उनको लगने लगा कि हम 140 किलोमीटर कभी भी कवर नहीं कर सकते। फिर भी वो ये सोचकर चलते रहे कि अरे सामने एक ब्रिज दिख रहा है, चलो वहां तक चल लेते हैं, अरे सामने गांव दिख रहा है, चलो गांव तक चल लेते हैं। और ऐसा करते करते उन्होंने 140 किलोमीटर कवर किए और सेफ एरिया तक पहुंच गए। इसे कहते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ नेक्स्ट माइल। जब आप कुछ बड़ा करना चाहते हो तो अगर आप ये सोचते रहोगे कि मैं तो अपने गोल से बहुत दूर हूँ तो आप डिसअपॉइंटेड ही रहोगे, लेकिन अगर आप सिर्फ अपने अगले स्टेप पर ध्यान दोगे, वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करोगे तो आप जीत सकते हो। इलान मस्क ने भी SpaceX के बारे में कुछ इसी तरह की कहानी बताई है कि इनिशियली उन्हें भी नहीं पता था कि ये कंपनी कितनी आगे जाएगी, पर वो धीरे धीरे अपने अगले स्टेप पर फोकस करते गए और फिर NASA से उन्हें मशीन सप्लाई का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला, एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। आप सभी जानते हैं कि कंपनी कैसे सक्सेसफुल हुई। ही ऑलवेज फोकस्ड एट द इमीडिएट नेक्स्ट स्टेप। तो अगर आपको लगता है कि लाइफ में आपका गोल जो है वो बहुत दूर है तो प्लीज घबराना मत, जस्ट फोकस ऑन द नेक्स्ट माइल।
किताब का तीसरा पॉइंट है कि आपको बिलीव करना पड़ेगा कि आप कुछ बड़ा कर सकते हो. यू हैव टू बिलीव इन इट. अब आप कहोगे कि निधि अगर बिलीव करने से सब कुछ हो जाता तो आज पूरी दुनिया बिलियनेयर होती. पूरी दुनिया बिलियनेयर इसलिए नहीं बन सकती क्योंकि उनके दिमाग में एक्सक्यूजेस भरे हुए हैं. और सबसे कॉमन एक्सक्यूज है आई एम नॉट गुड इनफ. कितना आसान है ये कह देना कि आई एम नॉट गुड इनफ ताकि मेहनत ही ना करनी पड़े. एंड दैट इज व्हाट मोस्ट ऑफ द पीपल डू. अब हो सकता है कि आप इलॉन मस्क को देखो और सोचो कि यार इनका तो आईक्यू बहुत हाई है, इन्होंने तो बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी से डिग्रीज हासिल करी हैं, इनके पास तो बहुत पैसा है, इन्होंने अपनी पहली कंपनी पेपैल से ही $1 बिलियन कमा लिए थे, लेकिन मेरे पास क्या है, मैं तो एक नॉर्मल सा इंसान हूँ, मेरा तो आईक्यू भी इतना हाई नहीं है, मैं तो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ा, मैं अमेरिका में भी नहीं रहता हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तो मैं इनसे क्या बराबरी करूँ, मैं तो कुछ भी नहीं बन सकता, आई एम नॉट गुड इनफ. देखो मैंने पहले पॉइंट में बताया था कि असली प्रॉब्लम नहीं है, असली प्रॉब्लम है हमारी सोच. ज़्यादातर लोग यहीं पर फंस जाते हैं. एंड दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप इस बात को समझो. इमेजिन करो कि अगर मैं आपको एक कमरे में बंद कर दूँ और आपसे कहूँ कि इस कमरे की दीवारें दुनिया की सबसे स्ट्रांग दीवारें हैं, बाहर जो ताला लगा है ऐसा ताला है कि जिसे कोई तोड़ ही नहीं सकता, आप यहाँ से कभी बाहर जा ही नहीं सकते, आपको जिंदा रखने के लिए मैं खाना पानी दे दूंगी पर आप बाहर नहीं निकल सकते. अगर आपने मेरी बात बिलीव कर ली तो आप वहीं फंसे रह जाओगे. लेकिन अगर आप मुझसे सवाल पूछना शुरू करोगे या दीवार को चेक करोगे तो हो सकता है आपको पता चले कि अरे ये तो हल्की सी दीवार है, इसे तो कोई भी तोड़ सकता है, या फिर चलो मैं निधि से नेगोशिएट करके देखती हूँ, क्या पता मुझे बाहर जाने दे. तो ज़्यादातर लोग अपने आप को इसी तरह अपनी सोच के कमरे में बंद कर लेते हैं, बिना कोशिश किए, बिना सवाल किए. वो सोचते हैं कि उनकी सिचुएशन इम्पॉसिबल सिचुएशन है और वो कभी इस सिचुएशन से बाहर आ ही नहीं सकते, सक्सेसफुल बन ही नहीं सकते. अब ये एक प्रूवन फैक्ट है कि जिस सिचुएशन में आप हो, जिस भी सिचुएशन में हो, उस सिचुएशन में दुनिया का कोई ना कोई इंसान ऑलरेडी रह चुका है और वहाँ से बाहर आ चुका है. तो अगर उनके लिए पॉसिबल था तो आपके लिए भी पॉसिबल है. ऑथर ने अपनी किताब में एक एक्सरसाइज दी है जो आपको ये लॉजिक समझने में बहुत मदद करेगी. एक पेपर लो और उस पर अपनी 5 सबसे बड़ी स्ट्रेंथ्स लिखो, चाहे आप क्यूरियस हो, डिसिप्लिन्ड हो, आप बुक्स पढ़ते हो, आप हार्डवर्किंग हो, आप एम्बिशियस हो. फिर हर स्ट्रेंथ के नीचे एक ऐसे इंसान का नाम लिखो जिसके पास ये स्ट्रेंथ नहीं है लेकिन वो सक्सेसफुल है. ये एक्सरसाइज करने से आपके दिमाग की बत्ती जलेगी, आपको समझ आएगा कि जिस इंसान के पास ये स्ट्रेंथ है भी नहीं, अगर वो सक्सेसफुल बन सकता है तो मैं तो डेफिनेटली बन सकता हूँ. चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू बिल्ड अ नेटवर्क. अभी कुछ वीक्स पहले मैंने इसी टॉपिक पर एक एपिसोड बनाया था. इफ़ यू हैवंट वॉच्ड इट द लिंक इज हियर, प्लीज गो अहेड एंड वॉच इट लेटर. अब यहाँ बात को समझो, अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको एक अच्छा सा नेटवर्क बनाना ही पड़ेगा. जितना बड़ा आपका गोल है, जितना बड़ा आपका सपना है, उतने ही ज़्यादा लोगों की आपको ज़रूरत पड़ेगी. इलॉन मस्क ने भी कहा है कि उनकी सक्सेस का एक बड़ा रीज़न है द टाइप ऑफ पीपल हु आर विद हिम. एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि हमेशा वो ऐसे लोगों की तलाश में रहते हैं जिनमें एक्सेप्शनल एबिलिटी हो, जो टफ प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकें और सही टाइम पर सही डिसीजंस ले सकें. अब भाई इलॉन मस्क तो इलॉन मस्क हैं, लेकिन हम जैसा आम इंसान ऐसे लोगों को कैसे ढूंढ सकता है. ऑथर ने एक तरीका बताया है कि अगर आपको ऐसा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बिल्ड करना है तो सबसे पहले आपको एक लाइकेबल पर्सन बनना पड़ेगा, एक ऐसा इंसान जिसे लोग पसंद करें. अब लाइकेबल बनना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस लगती है. आपको लोगों से सोशलाइज करना पड़ेगा, उनके नाम याद रखने पड़ेंगे, ये सीखना पड़ेगा कि आप खुद को इम्पैक्टफुली दूसरों से कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हो. और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपको एक अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा. ये नहीं है कि आप इंतज़ार करो कि भाई सामने वाला कब चुप है तो मैं बोलूँ. सामने वाले को लगना चाहिए कि आप उनकी बात सुन रहे हो, एंड यू आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन व्हाट दे आर सेइंग. दैट इज़ व्हेन पीपल विल रिमेंबर यू और आपके लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे खुलेंगे. और फिफ्थ पॉइंट है डू मोर नॉट लेस. काफ़ी बड़ा पॉइंट है जो हम इलॉन मस्क की लाइफ से सीख सकते हैं. देखो आम आदमी क्या सोचता है, आम आदमी सोचता है कि जब मेरे पास कोई टीम आएगी तो मैं आराम से बैठूंगा, सारा काम वो लोग करेंगे. लेकिन जैसे जैसे टीम बढ़ी, उनका बिजनेस बढ़ा, वैसे वैसे इलॉन मस्क ने और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने ली. एंड लुक हाउ ब्यूटिफुली ही इज़ मैनेजिंग ऑल द बिजनेसेस, हाउ सक्सेसफुली ही इज़ मैनेजिंग ऑल द बिजनेसेस. इनफैक्ट कई बार हम सोचते हैं कि यार इतना काम है, टाइम कहाँ है. लेकिन आई एम श्योर कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा पॉइंट ज़रूर आया होगा जहाँ आपके पास टाइम कम था, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा थी, फिर भी आपने कमाल कर दिया. सी द थिंग हियर इज़ कि आप जितना काम करते हो ना, उतना आपका फ्लो बढ़ता है, उतनी आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है. लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ज़्यादा काम करना चाहिए, देन प्लीज़ डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद द लेवल ऑफ इलॉन मस्क और एनीबडी एल्स. आपकी जर्नी दूसरों से बहुत अलग है. आपको ये समझना पड़ेगा कि आप अपनी लाइफ की किस स्टेज पर हो. जैसे कि मैं अगर मैं आपसे बोलूं कि सुबह 5 बजे उठना चाहिए, इट्स अ ग्रेट हैबिट,
तो अगर आप ऑलरेडी सुबह 5 बजे उठते हो या जल्दी उठते हो देन इट इज़ अ ग्रेट एडवाइस फॉर यू। लेकिन अगर आप 9 बजे से पहले उठते ही नहीं हो तो आपको ग्रेजुअली अपनी हैबिट चेंज करनी होगी। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज़ कि ज्ञान सब पर बराबर एप्लीकेबल नहीं होता। अगर आप मुझसे या किसी और से ज्ञान की कोई बात सुनो तो ध्यान रखना इट इज़ नॉट इक्वली एप्लीकेबल ऑन एवरीबडी। कीप द कॉन्टेक्स्ट इन माइंड। जो नॉलेज मैं आपसे शेयर करती हूँ थ्रू दीज वीडियोस उस नॉलेज का बेसिस क्या है, वो आपकी लाइफ में कैसे अप्लाई हो सकती हैं, पहले ये समझो एंड देन अकॉर्डिंगली टेक एक्शंस। तो ये है कुछ की हाइलाइट्स फ्रॉम द बुक द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग से। हमने आज डिस्कस किया थिंकिंग बिग मेक्स इट पॉसिबल, प्रोग्रेस हैपन्स स्टेप बाय स्टेप, बिलीव यू कैन डू बिग थिंग्स, बिल्ड अ गुड नेटवर्क एंड डू मोर नॉट लेस, बट कॉन्टेक्स्ट मैटर्स। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा और साथ ही साथ आपने बहुत कुछ नया सीखा भी होगा। याद रखना कि आपको लाइफ में जो भी चाहिए वो मिल सकता है, बस आपको अपने दिमाग की खिड़की खुली रखनी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मुझे थम्स अप दीजिए, नहीं पसंद आया तो थम्स डाउन दीजिए, बट प्लीज शेयर योर कॉमेंट्स एंड रिकमेंडेशंस विद मी इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई किताब के साथ। तब तक जिस कमरे में आपने अपने आप को बंद कर रखा है उस कमरे से बाहर निकलने के बारे में सोचिए और सपने देखना बिल्कुल मत छोड़िए।